नमस्कार, मैं गोपाल सैनी ब्लू पोटरी का एक हस्तशिल्पी। मैंने अपनी शिक्षा राजस्थान विश्वविद्यालय से एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग में की। उसके बाद में मैंने पीएचडी करने का सोचा और मेरा जो पीएचडी का सब्जेक्ट था पद्म श्री कृपाल सिंह जी शेखावत साहब की कला साधना। कृपाल सिंह जी शेखावत साहब जयपुर की ब्लू पोटरी के एक हस्तशिल्पी, और ये कहना चाहिए कि जयपुर की जो ब्लू पोटरी जो लुप्त हो गई थी उसे पुनः जीवित करने का श्रेय आप ही को जाता है। और यह मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने उनके सानिध्य में, जब मैं उनके यहाँ पीएचडी के सिलसिले में आया जाया करता था और वहाँ इस तरह का काम होता हुआ देखा, तो मैंने ये ब्लू पोटरी को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। सन 1962 में जयपुर की ब्लू पोटरी का पुनः लोगों के सामने एक ये रखा गया, अन्यथा ये सन 1835 से 68 के कार्यकाल के समय के बाद में धीरे धीरे लुप्त हो गई थी। लेकिन जयपुर की महारानी गायत्री देवी और सेंटर मिनिस्टर कमला देवी चट्टोपाध्याय और पद्म श्री कृपाल सिंह जी शेखावत साहब के सानिध्य में सवाई राम सिंह शिल्पशाला का एक इंस्टीट्यूट की स्थापना करके जिसमें सभी कलाओं का समावेश किया, जिसमें यह ब्लू पोटरी भी थी। तो ये पुनः वापस अपने प्रकृति की ओर अग्रसर रही। और मेरा ये सौभाग्य कि मैं वहाँ कृपाल सिंह जी के आता जाता था, तो वहाँ पे ये कार्य होता देख के और मन में इस नीले रंग के नीली आभा के प्रति मेरा आकर्षण इस तरह बढ़ा कि मैंने अपना कार्य क्षेत्र इसी को बना लिया। 1993 में 1993 के अंदर मैंने अपना स्टूडियो, जो आज राम गोपाल ब्लू पोटरी के नाम से जाना जाता है, मैंने यहाँ स्थापित किया। और जो मेरे मन में जो द्वंद्व था इस आर्ट के प्रति, इस आर्ट में क्रिएटिव कार्य करने का, जो एक पारंपरिक भी रहे और एक नए आज के युग के हिसाब से भी चले, तो मैंने अपने यहाँ बैठ के अपना कार्य किया। जैसे इसमें जालियाँ बनाई, जाली काटने का काम किया, एम्बोजिंग का काम किया, और इसमें मिनीचर काम नहीं होता था। जो जयपुर की मिनीचर पेंटिंग होती थी वो इतना बारीक काम इस पर करना असंभव है, तो वो मैंने इस पर किया। और अनेक आकार के बड़े बड़े बर्तन बनाए मैंने। हड़प्पा कालीन जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा में जो शेप मिले थे बर्तनों के, उनको मैंने जयपुर की ब्लू पोटरी में बनाया और बहुत लोगों ने लाइक किया। न्यूज़पेपर्स वाले, मैगजीन्स वाले, उन्होंने बहुत सराहा और इसकी पब्लिसिटी मुझे बहुत मिली। तो इसलिए मेरा सबसे बड़ा मुझे उससे ये प्रॉफिट हुआ कि मेरा कार्य जो था दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ चला गया, और इस तरह मेरे को जो काम बनाता था वो बिक जाता था, तो और जोश आने लगा और नए नए इसमें डिज़ाइनों का समावेश करने लगा, आकार का करने लगा। तो इस तरह धीरे धीरे एक ब्लू पोटरी को एक नई पहचान मिलने लगी। और ये यहाँ से जैसे कई एक्सपोर्टरों से संपर्क में आया, तो जैसे कई इंग्लैंड से थे, यूएसए से थे, जापान भी मैंने बहुत अच्छा काम दिया जापानी आर्टिस्टों को। तो इस तरह के जहाँ के जो मिले उन आर्टिस्टों जो उन एक्सपोर्टरों के साथ में, उनकी डिज़ाइनों के अकॉर्डिंग मार्केट के हिसाब से मैंने काफ़ी वर्क किया। और आज राम गोपाल ब्लू पोटरी जो एक पहले एक जयपुर में ही जानी पहचानी जाती थी, आज दुनिया में राम गोपाल ब्लू पोटरी को एक जयपुर की ब्लू पोटरी के नाम से एक पहचान मिली हुई है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज गरिमा। आई एम को ओनर ऑफ राम गोपाल ब्लू पोटरी। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप विद द ब्लू पोटरी स्पून इन माई माउथ,
And when I completed my graduation, basically my dad gave me this offer that why don't you try your hands on this craft, and might be if you feel interested and in love with this craft, you can take forward this legacy that he's been building up from ages. So when I completed my graduation and I joined it, and I was at the same time doing my master's in international business, and I used to come here at that time because I was studying and trying to understand this craft. So it was like a part-time that I was coming and understanding. So that's how I got in contact with this craft on a regular basis. And then I actually eventually fall in love with this craft. So since that day, there was no turning back. When I started coming and exploring this every day, bit by bit, I actually love the process. There's no young people that are carrying forward this legacies that their fathers has been building from years. So I felt that need that somebody should step forward to carry forward this craft, which need attention, time and everything. Because otherwise, in this whole era of mechanization and modernization, this craft will lose its own authenticity. So when I started my journey, it was difficult, it was challenging, because even I never did it from the initial stage. I used to just come and do the drawing part when I used to come when I was a kid. And I used to go for lectures, I used to tell people about the craft. So it was more verbally, not very much physically, that I was involved in the making process. So when I started my journey, I started creating every single pieces, and I didn't just sit and work at a particular spot. Rather than my father just put me on the backstage of the from the ground level. So every day, bit by bit, I explored this craft, understood it, and started removing it layer by layer, so that when I reach the core of it, I completely know and understand that how I can, you know, build my particularly future in this particular craft, and how I can make it more bigger and larger in terms of impact as well as in terms of creating the craft. So then I realized that a lot of people firstly don't know about it, this craft, because firstly the reason was the industry is very small. So now we can proudly say in 2009 we have got the GI. GI is like a geographical indication. It's like a patent that now this craft is only and only being manufactured and produced in this geographical region, Jaipur, and nowhere around the world. That is the beauty of this craft also, because the process is very different. It's a long laborious process, and it takes 20-25 days just to manufacture a single piece. And every single article, even that you can see in back of my frame, they're all been handcrafted, and it has been gone through with the hand of people around 42 times. That's the minimum stages. But as the complicated process begins in terms of shapes and sizes, the number of steps even increase more. So that's the how we create our craft, with lots and lots of hand involvement and totally handcraft way. So when I started it, there was majorly what I saw is very strict and traditional patterns that were followed from ages, and the generation are just copying it. But my dad already introduced lot of different traditional and very miniature crafts in terms of designing into it. But when I came up with a different idea, because I wanted youngsters to, you know, buy it and put their upfront. So I started making a bit of different style, like which has the essence of the traditional as well as a bit of contemporary into it, so that when people come to our studio, they also find a very different and a new variety of the products. So that's how I changed the outlook from traditional to bit of contemporary, so that the more and more market can be reached. Secondly, we started working on our social media platform and the social media game. Previously, it was more like footfall. Whatever people come to the studio, they see and they buy it. But now we have started selling it through different online portals. We are trying to aware people through different online programs that how we create this craft and why it is so different and unique, that and why people should, you know, buy it, so that, you know, they are helping a particular region of artisans in terms of this craft. So that shifted. So we started building up majorly on export initially when that started. Now I can proudly say like we are selling more in India as compared to the exports.
So there's more like 75 to 80% of Indians that are coming and buying and appreciating this craft. So that drastic change shows that how much we have evolved from then to now in terms of export. Exports are happening, but as compared to the Indian consumption, they are less.